Hello everyone and welcome to Learn Sapiens. Today I am going to start a very interesting topic of class 12th, that is linkage and crossing over. अब linkage समझने से पहले आपको मैं एक example बताने जा रहा हूँ. Suppose there are two friends, दो दोस्त हैं. एक का नाम है करण और दूसरे दोस्त का नाम है अर्जुन. अब ये जो दो दोस्त हैं इनकी दोस्ती बहुत गहरी है, ये हमेशा साथ रहते हैं. तो जब इनकी गहरी बहुत दोस्ती है और मैं ये चाहता हूँ कि करण और अर्जुन की दोस्ती टूट जाए. अब अगर करण अर्जुन की दोस्ती तोड़नी है और ये हमेशा साथ रहते हैं, बहुत गहरी दोस्ती है, तो इनकी दोस्ती तोड़ना बहुत मुश्किल है. अब सपोज़ करिए अर्जुन का सिलेक्शन नीट में हो गया तो अर्जुन जो है वो करण से दूर चला गया. पहले क्या था, दोनों साथ साथ रहते थे, तो इनकी दोस्ती में दरार डालना, दोस्ती तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. लेकिन अब अर्जुन दूर चला गया करण से, कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है दोनों में. अब जब अर्जुन करण से दूर चला गया है तो अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इन दोनों की दोस्ती को तोड़ा जा सके. ठीक है, हालांकि दोनों अभी कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन दोनों दूर हैं. अर्जुन बिजी हो गया है अपनी मेडिकल की पढ़ाई में, करण अपने काम में बिजी हो गया है, तो इन लोगों में बातें बहुत कम होती हैं. जब बातें बहुत कम होती हैं, कॉन्टैक्ट बहुत कम रह गया है, तो अब इन दोनों के बीच में दरार डालना, इन दोनों की दोस्ती को तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है. तो अब जो मेन एग्जाम्पल का समरी है, वो समरी ये है कि जब तक दो लोग बहुत पास हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है. लेकिन जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच का बॉन्ड कमज़ोर होता जाएगा और उनकी बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा. बस यही है लिंकेज. और अब इसी लिंकेज को आप बायोलॉजिकल टर्म्स में समझिए. अभी तो आप करण अर्जुन के टर्म्स में समझ रहे थे, अब इसी लिंकेज को आप समझिए बायोलॉजिकल टर्म्स में. देखिए यहाँ पर बना हुआ है क्रोमोसोम. ठीक है, ये क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं. आपको ये पता है कि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जीन्स हैं ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे जीन्स प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के अंदर. तो अब अगर मैं बात करूं कि ए और बी, ये दोनों जीन्स बहुत पास हैं, ए और जी, ये दोनों जीन्स काफ़ी दूर हैं. तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में जब मियोसिस होती है तो क्रोमैटिड के सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, क्रोमैटिड के सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस. तो आप सपोज़ करिए कि इस वाले क्रोमैटिड में मियोसिस हो रही है. इस क्रोमैटिड में जब मियोसिस होगी तो जो दूसरा क्रोमैटिड होगा, सपोज़ ये क्रोमैटिड है, ये वाला क्रोमैटिड, और इस क्रोमैटिड में मियोसिस हो रही है. ठीक है, तो दूसरा जो क्रोमैटिड है जो कि इससे क्रॉसिंग ओवर करेगा, जो दूसरा क्रोमैटिड क्रॉसिंग ओवर करेगा, सपोज़ करिए वो क्रोमैटिड ऐसे पास ऑन हो रहा है इस तरह से. ठीक है, तो अब जब दूसरा क्रोमैटिड इधर से पास ऑन हो रहा है तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. ए और बी चूँकि पास हैं तो ये दोनों टूट के एक साथ चले जाएंगे. सी डी ई एफ जी ये सब यहीं रह जाएंगे. अब अगर मैं यहाँ पे ये आपसे पूछूं कि ए और जी जो जीन है उसके अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं या ए और बी के अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप देखिए ए और जी ये जीन्स काफ़ी दूर हैं, तो क्रॉसिंग ओवर चाहे यहाँ से हो जाए, जहाँ से मैंने बनाई है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए, यहाँ से, किधर से भी, इस पूरे क्रोमैटिड की लेंथ में कहीं से भी अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो ए और जी तो हर हाल में अलग हो जाएंगे. ये टूट के दूसरे क्रोमैटिड में चला जाएगा, ये यहीं रह जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से अगर ये देखा जाए कि जितने जीन्स आपस में दूर हैं, जो जीन्स जितना ज़्यादा दूर हैं उतना ही चांसेस उनके अलग होने का है. जो मैंने आपको करण अर्जुन की स्टोरी समझाई कि जितना दूर हैं उतना ही उनके टूटने के, उतना ही उनके अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ए और जी के अलग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फिर मैं आपसे कहूं ए और बी के अलग होने के चांसेस, देखिए ए और बी ऐसा नहीं है कि ए और बी अलग नहीं होंगे, ए और बी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन ए और बी कब अलग होंगे, ए और बी सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में अलग होंगे जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो यहाँ से हो, इस जगह से क्रॉसिंग ओवर हो तभी ए और बी अलग अलग हो पाएंगे. लेकिन अगर हमको ए और जी को अलग करना है तो क्रॉसिंग ओवर चाहे जहाँ से हो जाए, इधर से इधर से इधर से कहीं से भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ए और जी आसानी से अलग हो जाएंगे. तो ए और बी को अलग करने के लिए क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होनी चाहिए तभी ए और बी अलग होंगे. लेकिन ए और जी इनको अलग होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है क्रॉसिंग ओवर कहाँ से हो, पूरा क्रोमैटिड का लेंथ है, कहीं से भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए आसानी से ए और जी अलग अलग हो जाएंगे. अब जो शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया था करण अर्जुन का,
दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ क्रोमैटिड के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, ये जीन्स जितनी दूर होंगे उतना ही उनका सेपरेशन का चांसेस ज़्यादा होगा, जीन्स जितने पास होंगे उतना ही उनके अलग होने का चांस कम होगा। तो जब तक किसी क्रोमोसोम में जीन्स एक साथ रहते हैं, सपोज करिए अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो ये सारे जीन्स इस क्रोमोसोम में एक साथ हैं, तो जब तक किसी भी क्रोमोसोम्स में जीन्स एक साथ रहते हैं वो जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, बिकॉज आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो जब तक वो साथ में है तब तक उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो ये सपोज करिए ए और बी, ये सेगमेंट टूट के दूसरे क्रोमोसोम में चला जाएगा, तो जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तब तक ये जीन्स इस क्रोमोसोम में आपस में साथ में रह रहे हैं, और इन जीन्स को हम कहते हैं कि दीज आर लिंक्ड जीन्स। इसको आप एक और एग्जांपल से समझिए, सपोज एक कॉलोनी में 10 घर बने हुए हैं, लाइन से बने हैं 1, 2 से 10 तक, ये 10 घर लाइन से बने हैं, तो जो बॉन्डिंग 1 और 2 की होगी, क्योंकि 1 और 2 जो घर हैं वो अगल बगल हैं, आसपास हैं, तो जो बॉन्डिंग 1 और 2 की होगी वो बॉन्डिंग 1 और 10 की नहीं होगी, क्योंकि 1 और 10 दूर दूर हैं। तो कहने को तो ये सारे घर एक ही कॉलोनी में हैं, जिस तरह से ये सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, तो सारे घर एक ही कॉलोनी में हैं, लेकिन जो घर दूर है, सपोज करिए हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 10, ये घर दूर दूर हैं, तो इन दोनों घरों में, सपोज करिए मेरा मन कर रहा है इन दोनों घरों में मुझे लड़ाई लगवानी है, हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 10, तो ये दोनों घर काफ़ी दूर दूर हैं, इन लोगों से आपस में बातचीत भी कम होती होगी बिकॉज काफ़ी दूर दूर घर हैं, तो इन लोगों में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना काफ़ी आसान है, जबकि हाउस नंबर 1 और 2 या 2 और 3 जो बिल्कुल पास पास हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग रोज़ मिलते हैं, पास पास रहते हैं, तो जब पास पास रहते हैं तो उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जो हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 10 है उनकी बॉन्डिंग ज़रा सी वीक होगी, हालांकि रहते उसी कॉलोनी में हैं, उसी जगह पर हैं, जिस तरह से ये जीन्स उसी क्रोमोसोम में रहते हैं। तो जो 10 हाउसेज हैं हाउस नंबर 1 से हाउस नंबर 10, ये चूँकि सब एक ही कॉलोनी में हैं, तो दीज आर लिंक्ड, लिंक का मतलब एक ही कॉलोनी में कहे जा रहे हैं, वैसे ही ये सारे जीन्स लिंक्ड हैं क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम में है। सो दिस टेंडेंसी ऑफ जीन्स, अब मैं बता रहा हूँ आपको लिंकेज की डेफिनेशन, दिस टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू बी लिंक्ड टुगेदर इन अ सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है जीन्स एक ही क्रोमोसोम में, कई सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम में एक साथ रहते हैं, जिसको कि हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को, यानी जीन्स के एक साथ रहने के फिनोमिना को हम कहते हैं लिंकेज। और यहाँ पर लिंकेज में लिखा हुआ है कि इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आप मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट याद करिए, मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा था कि जीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और वो किसी से भी मिलकर, किसी दूसरे जीन से मिलकर कोई भी नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये मेंडल ने बात कही थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीन्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे ए और बी ये 100% इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक साथ भी रह सकता है, अगर वो पास पास जीन्स हैं तो उनकी बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ए और बी को अगर हमको अलग करना है तो क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है वो ए और बी के बीच से ही करानी पड़ेगी, जबकि ए और जी को अगर अलग करना है तो हम क्रॉसिंग ओवर कहीं से भी करा दें, कई सारे पॉइंट्स हम ले लें, कहीं से भी करा दें, ए और जी अलग हो जाएगा, यानी ए और बी या बी और सी जो भी पास पास जीन्स हैं उनकी टेंडेंसी है साथ रहने की, जिसको कहते हैं हम लिंकेज। तो लिंकेज इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा गया था कि जीन्स इंडिपेंडेंट हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, जबकि लिंकेज का क्या है, लिंकेज में ये कहा गया है कि जीन्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं, और कब तक एक साथ रहेंगे, जब तक उनमें क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। अब सपोज करिए ये जो क्रोमोसोम है ये एक सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम है, तो अगर ये सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम है तो आपने क्लास 11th पढ़ रखा है कि सोमैटिक सेल में जनरली माइटोसिस होती है, और अगर माइटोसिस होती है तो ये बात भी आपने क्लास 11th पढ़ी है सेल डिवीजन के चैप्टर में कि माइटोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, और सेम एज पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि सेम टाइप ऑफ सेल नेक्स्ट जनरेशन में फॉर्म होता है, तो वहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो जो ये कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन इसके ऑफस्प्रिंग का भी होगा।
तो मेंडल ने जो बात कही थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि द जीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे कैन कंबाइन विद एनी अदर कैरेक्टर टू गिव राइज टू अ न्यू कॉम्बिनेशन, वो बात तो यहाँ माइटोसिस में फॉलो ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर तो जीन्स आपस में सब लिंक्ड है और एक साथ जा रहे हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम लिंकेज को कहते हैं इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ दिस फिनोमिना ऑफ लिंकेज, दिस फिनोमिना ऑफ लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटसन, सॉन्डर्स एंड पुनेट इन 1905। ये नाम याद रखिएगा, नीट में आपसे पूछे जाएंगे कि लिंकेज का फिनोमिना किसने दिया था, बेटसन, सॉन्डर्स और पुनेट ने 1905 में, जब वो लथायरस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी लथायरस ओडोरेटस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो लथायरस ओडोराइटस में उनको ये लिंकेज की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ी। मेरा एक लेक्चर था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था TH मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, और तब उन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसीलिए उनको 1933 का नोबेल प्राइज मिला था और उनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, यानी एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते थे जेनेटिक्स के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट करके उस फिनोमिना को वेरीफाई करते थे कि क्या ये फिनोमिना वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही लिंकेज का फिनोमिना बेटसन, सॉन्डर्स और पुनेट ने दिया 1905 में, तो TH मॉर्गन फिर से सामने आए ड्रोसोफिला लेकर, क्योंकि इसके पहले भी ये ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर लिंकेज का फिनोमिना आया, इन लोगों ने लिंकेज डिस्कवर किया लथायरस ओडोरेटस में, फौरन TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ये ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट लेके चले आए, और इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यस इट इज़ राइट, जीन्स जो है जो पास पास जीन्स हैं वो साथ साथ रहते हैं, दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, साथ साथ जीन्स हैं तो वो एक साथ इनहेरिट होंगे, अगली जनरेशन में एक साथ पास ऑन होंगे, और जो जीन्स दूर दूर हैं वो अलग हो सकते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ए और जी के अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ए और एफ के अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम बात करें ए और बी की या एफ और जी की, कोई भी एक दो जीन जो कि पास पास हैं उनके अलग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक, तो TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इस लिंकेज के फिनोमिना को वेरीफाई किया, और उसके बाद उन्होंने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज।